हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह बुधवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जमकर पीठ थपथपाई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। संदीप सिंह ने कहा कि किसके लिए कौन काम कर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये सभी को पता है। पब्लिक सभी के बारे में जानती है। देश का कोई भी स्टेट हो, दिल्ली और पंजाब भी, वहाँ के बच्चे भी हैं, सोचते हैं कि काश हम हरियाणा में पैदा होते। वही तीसरे मोर्चे पर बोलते हुए कहा कि एक बार फिर बीजेपी पार्टी ही प्रदेश सेंटर में सरकार बनाएगी। झूठ बोलने वाले पंजाब में भी झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। झूठ बोलने वाले आते रहेंगे, लेकिन आजकल समझदार है, उनको पता है कौन किसके लिए क्या काम कर रहा है। सर, स्पोर्ट्स की कोई नई रणनीति खिलाड़ियों को जैसे आगे बढ़ने का कोई मौका? हरियाणा जो है बहुत आगे चल रहा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, खेलो इंडिया में, ग्रास रूट की बात करें, चाहे वो खेल पॉलिसी के तहत कैश अवार्ड की बात करें, खेल पॉलिसी के तहत नौकरियों की बात करें, चाहे खिलाड़ियों के बजट की बात करें, हरियाणा अव्वल चल रहा है। और हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हरियाणा को और आगे लेके जाएं, और ना सिर्फ गुजरात, ना सिर्फ आपका महाराष्ट्र, ना आपका राजस्थान, दिल्ली भी और पंजाब भी, यहाँ के आप जिसके केजरीवाल की बात कर रहे थे, तो इनके लोग और इनके बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि काश हम भी हरियाणा में पैदा होते, तो जो पॉलिसी हरियाणा के अंदर आज खिलाड़ियों को मिल रही है, हम भी उसका लुत्फ जी। लगातार इन्हें लो सुप्रीमो थर्ड तीसरे मोर्चे की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी से और जेजेपी का गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन लोग उब चुके हैं और एक बार तीसरा मोर्चा सरकार बनाएगा सेंटर में भी हरियाणा में। मेरे को तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि लोग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम करती रहेगी, केंद्र में भी कर रही है और हमारे प्रदेश में भी काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आप देखें कोई ना कोई योजना नई लेके आते रहते हैं हर विभाग के लिए, चाहे वो महिलाओं के लिए हों, बच्चों के लिए हों, किसानों के लिए हों, खिलाड़ियों के लिए हों, नौजवानों के लिए हों, चाहे वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हों, तो हर वर्ग के लिए काम करते हैं। इतना ही कहना। और बहरहाल शायद ये पहला मौका होगा जब संदीप सिंह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं, वरना उन्हें अक्सर इस तरह के बयानों को देने से बचते हुए ही देखा गया है। ऐसे में देखना होगा कि जब आम आदमी पार्टी से संदीप सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी जाएगी तो जवाब में क्या कहा जाता है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।